प्रश्न, मेरी दोस्त हर साल रमज़ान के उन दिनों की कज़ा करती थी जिनके रोज़े वह तोड़ दी होती थी, लेकिन वो रात ही की समय से नियत नहीं करती थी, अर्थात वो सुबह के समय रोज़े की नियत करती थी। दरअसल वो जानती ही नहीं थी कि कज़ा के रोज़े में रात से ही नियत करना ज़रूरी है। तो इस रोज़े का क्या हुक्म है? क्या उसके लिए उसे कफ़ारा के साथ दोहराना ज़रूरी है, या उसे क्या करना चाहिए? उत्तर का सारांश, सामान्य इमामों के निकट दिन में नियत करके आपकी दोस्त का रमज़ान की कज़ा के रोज़े रखना मान्य नहीं है, अतः उसके लिए उन दिनों के रोज़ों को दोहराना ज़रूरी है और उस पर कोई कफ़ारा अनिवार्य नहीं है। यह रखे हुए रोज़ों को दोहराने का हुक्म अंतिम वर्ष की कज़ा के बारे में है जिसका समय अभी बाकी है। जहाँ तक पिछले बीते हुए वर्षों की कज़ा का संबंध है, तो कुछ विद्वानों जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि जिस व्यक्ति ने कोई इबादत गलत ढंग से की और वह अज्ञानी था और उसका समय निकल गया, तो उसके लिए उसे दोहराना अनिवार्य नहीं है। यदि आपकी दोस्त इस विचार को अपनाती है तो हम आशा करते हैं कि उस पर कोई पाप नहीं है। अब उत्तर विस्तार से, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। हर अनिवार्य रोज़ा के लिए रात ही से नियत का होना ज़रूरी है, यह विद्वानों की बहुमत का दृष्टिकोण है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस व्यक्ति ने फज्र होने से पहले रोज़े की नियत नहीं की तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसे अबू दाऊद हदीस संख्या 2454, तिर्मिज़ी हदीस संख्या 730 और नसाई हदीस संख्या 2331 ने रिवायत किया है, तथा नसाई की एक रिवायत के शब्द इस तरह हैं, जो व्यक्ति फज्र उदय होने से पहले रोज़ा की नियत ना करे तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इस हदीस को अल्बानी ने सही अबू दाऊद में सही कहा है। तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इसके बाद कहते हैं, कुछ विद्वानों के निकट इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का रोज़ा नहीं होगा जो रमज़ान में या रमज़ान की कज़ा में या नज़र के रोज़े में फज्र होने से पहले रोज़ा की नियत ना करे। यदि उसने रात में नियत नहीं की तो उसका रोज़ा पर्याप्त नहीं होगा, परंतु स्वैच्छिक अर्थात नफली रोज़े में उसके लिए सुबह हो जाने के बाद भी रोज़े की नियत करना जायज़ है। यही कथन शाफ़ई, अहमद और इसहाक का भी है। इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह ने कहा, यदि वो फ़र्ज़ रोज़ा है जैसे रमज़ान का रोज़ा, चाहे उसकी अदायगी हो या कज़ा, तथा नज़र और कफ़ारा का रोज़ा, तो इसके लिए शर्त है कि वो रात ही में उसकी नियत करे। हमारे इमाम के निकट तथा मालिक और शाफ़ई के अनुसार फिर उन्होंने पिछली हदीस को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। अलमुग़नी से उनका उद्धरण समाप्त हुआ। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने इस विषय में अधिकांश विद्वानों अर्थात जुम्हूर उलमा से मतभेद किया है। उन्होंने कुछ इस प्रकार के अनिवार्य रोज़ों को दिन की नियत के साथ रखना जायज़ ठहराया, लेकिन वो भी इस बात पर जुम्हूर से सहमत है कि रमज़ान की कज़ा के रोज़े रात ही से नियत के बिना सही नहीं है, बल्कि हनफी मत के कुछ विद्वानों ने उस पर सर्वसहमति का अर्थात इजमा का उल्लेख किया है। अलकासानी रहमहुल्लाह बदाउस्सनाए में कहते हैं, सभी रोज़ों में बेहतर यह है कि फज्र के उदय होने के समय नियत करे, यदि वो ऐसा करने में सक्षम है, या रात ही से, और यदि उसने फज्र के उदय होने के बाद नियत की तो रोज़ा यदि एक ऋण है तो यह सर्वसम्मति से जायज़ नहीं है। उनका उद्धरण समाप्त हुआ और उन्होंने ऋण के रोज़े का मतलब अपने इस कथन के द्वारा स्पष्ट किया है, इससे अभिप्राय कज़ा, कफ़ारा और सामान्य नज़र के रोज़े हैं। इसके आधार पर आपकी दोस्त का रमज़ान की कज़ा का रोज़ा दिन की नियत के साथ सामान्य इमामों के निकट सही नहीं है, अतः उसे उन दिनों के रोज़ों को दोहराना होगा और उस पर कोई कफ़ारा नहीं है। यह उसके रखे हुए रोज़ों को दोहराने का हुक्म अंतिम वर्ष की कज़ा के बारे में है जिसका समय अभी बाकी है। जहाँ तक पिछले बीते हुए वर्षों की कज़ा का संबंध है, तो कुछ विद्वानों जैसे कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि जिस व्यक्ति ने कोई इबादत गलत ढंग से की और वह अज्ञानी था और उसका समय निकल गया, तो उसके लिए उसे दोहराना अनिवार्य नहीं है। इसलिए यदि आपकी दोस्त इस विचार को अपनाती है तो हम आशा करते हैं कि उस पर कोई पाप नहीं है और अल्लाह ताला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।